हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले बोली, मनुवादियों के गुलाम थे दलित हनुमान, भगवान राम ने बनाया मंदिर। चुनावी मौसम में भगवान हनुमान को लेकर दावों और बयानबाजियों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान जी को दलित बताए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। अब भगवान हनुमान के विवाद में कूदते हुए बहराइच से भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने सावित्री बाई फूले ने सीएम योगी के दावों को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित थे, मगर एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने भी यह भी कहा कि हनुमान जी मनुवादियों के गुलाम थे। बहराइच से भाजपा सांसद सावित्री बाई फूले ने मंगलवार को कहा, हनुमान जी दलित थे और मनुवादियों के गुलाम थे। अगर लोग कहते हैं कि भगवान राम है और उनका बेड़ा पार कराने का काम हनुमान जी ने किया था, उनमें अगर शक्ति थी तो जिन लोगों ने उनका बेड़ा पार कराने का काम किया उन्हें बंदर क्यों बना दिया? उनको तो इंसान बनाना चाहिए था, लेकिन इंसान न बनाकर उन्हें बंदर बना दिया गया। उनको पूंछ लगा दी गई, उनके मुंह पर कालिक पोत दी गई। चूंकि वह दलित थे इसलिए उस समय भी उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा, हम तो यह देखते हैं कि अब देश तो ना भगवान के नाम पर चलेगा और ना ही मंदिर के नाम पर। अब देश जलेगा तो भारतीय संविधान के नाम पर। हमारे देश का संविधान धर्म निरपेक्ष है, उसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। सबको बराबर सम्मान व अधिकार है, किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। इसलिए जो भी जिम्मेदार लोग बात करें भारत के संविधान के तहत करें, गैर जिम्मेदार ना बात करने से जनता को एक बार सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल कुछ दिनों पहले राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जी दलित और वनवासी थे। इसके बाद सीएम योगी विवादों में फंस गए, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी हुआ था। केंद्रीय मंत्री उमा भारती नहीं लड़ेगी अगला लोकसभा चुनाव, ये बताई वजह। सुषमा स्वराज के बाद अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। भोपाल में ये घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो राम मंदिर और गंगा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। अगले कुछ वक्त तक वो इन्हीं दो मुद्दों पर फोकस करना चाहती हैं। उमा भारती ने कहा कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए वक्त देना चाहती है, उनका लक्ष्य अब मंदिर बनवाने का है। हालांकि राजनीति छोड़ने की बात उन्होंने नहीं की है। उमा के मुताबिक वो राजनीति तो करती रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। उमा भारती झांसी से सांसद है। उमा भारती का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कानूनी समाधान तलाशने पर माथापच्ची की जा रही है। आपको बता दें कि 90 के दशक में उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रह चुकी है। ऐसे में उनके इस बयान के कई मायने निकाले जाना लाजमी है। वैसे उमा ने यह भी कहा है कि जब 2016 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से इस बारे में बात की थी तो शाह ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया था। पार्टी ही इस पर फैसला करेगी, लेकिन मैं अगले 1.5 साल राम मंदिर और गंगा के लिए काम करूंगी। बुलंदशहर हिंसा पर राजनीति, कपिल सिब्बल के साथ आजम खान ने उठाए सवाल। बुलंदशहर के सयाना में कल गोवंश अवशेष मिलने के बाद हिंसा में इंस्पेक्टर के साथ एक युवक की मौत के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के साथ ही समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान ने हिंसा पर सवाल उठाया है। इस मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। राज्य के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है, घटना में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत ने सियासी रंग ले लिया है। गांव महाओ में
कल की हिंसा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जगह उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। सिब्बल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जहर उगल रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में इन दोनों माहौल बेहद खराब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद चौंकाने वाली घटना है कि कैसे भीड़ ने अखलाक खां के मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। किसने इन लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया? सिब्बल ने कहा कि अपने राज्य की देखभाल करने की बजाय योगी आदित्यनाथ तेलंगाना जा रहे हैं और वहां जहर उगल रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने कहा कि जिस स्थान पर हिंसा हुई है वहां पर तो अल्पसंख्यक आबादी है ही नहीं। इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता आजम खान भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय नहीं रहता है। यदि यह सच में पशु अवशेष का मामला है तो पुलिस को इस गंभीर मामले की जांच करनी चाहिए। उन अवशेषों को वहां कौन लेकर आया? उस विशिष्ट क्षेत्र में कोई अल्पसंख्यक आबादी नहीं रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए इस घटना में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर के परिजन को कुल 50 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 2 दिन के अंदर मामले की जांच पर कर रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है। दरअसल बुलंदशहर के गांव चिंगरारवाठी गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसकी सूचना सियाना के इंस्पेक्टर को दी गई। इसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया बुझाया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवंश के अवशेष को लेकर पुलिस स्टेशन को घेर लिया और जाम लगा दिया। एक बार फिर समझाया गया, ग्रामीण पहले तो सहमत हो गए, बाद में ग्रामीणों की पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया और सुबोध सिंह को मौत के घाट उतार दिया। बुलंदशहर हिंसा, राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी और योगी राज में जनता में दहशत। बुलंदशहर की भीड़ की हिंसा का शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और कहा कि मोदी योगी राज में पुलिस का यह हाल है तो फिर जनता में कितनी दहशत होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सियाना में भीड़ की हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी योगी राज में पुलिस का यह हाल है तो फिर जनता कितनी दहशत में होगी। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की अराजक भीड़ द्वारा हत्या दर्दनाक और शर्मनाक है। मोदी योगी राज में पुलिस का जब यह हाल है तो आम जनता कितनी दहशत में होगी। इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। पार्टी ने सवाल किया है कि क्या यही बदलाव है जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, मोदी जी कहते थे कि बदलाव होगा, लेकिन 2014 से आज तक बदलाव नहीं दिख रहा है। भय, भ्रष्टाचार, राम और हनुमान के नाम पर राजनीति दिख रही है। उन्होंने कहा, बुलंदशहर में कैसा बदलाव आया है? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद आरोप लगा रहे थे कि बजरंग दल और विहिप के लोगों ने साजिश के तहत हिंसा की है। 400 लोगों का इकट्ठा होना, थाने पर हमला करना, पुलिस पर हमला किया जाना क्या दिखाता है? क्या मोदी जी इसी बदलाव की बात कर रहे थे? सिब्बल ने दावा करते हुए आगे कहा, घटना वाले दिन योगी जी रमन सिंह के साथ बैठकर लाइट एंड साउंड शो देख रहे थे। उस पुलिस अधिकारी के परिवार की दर्द की भरी चीखें भी सुनना चाह रहे थे। वह मुठभेड़ पर तुरंत रिपोर्ट मंगवाते, लेकिन इस पर खामोश रहे।
कपिल सिब्बल के अनुसार पुलिस की जांच पर तो भरोसा नहीं है, सीबीआई की क्या हालत है सबको पता है। अगर उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच हो तो कुछ निकल सकता है। मतलब है कि सोमवार को बुलंदशहर के स्याना में गोकशी की अफवाह के बाद फैली हिंसा में सुबोध सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। अगला नीरव मोदी बन सकता है यूपी का कारोबारी। केंद्रीय मंत्री ने योगी सरकार को भेजी चिट्ठी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि चीनी मिल मालिक उमेश मोदी पर किसानों का 462 करोड़ रुपए का बकाया है और उन्हें आशंका है कि नीरव मोदी की ही तरह उमेश मोदी को भी देश छोड़कर भाग न जाए। वित्तीय अनियमितता को लेकर केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चिट्ठी लिखी है। मंत्री ने लिखा कि समय रहते यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश का यह कारोबारी अगला नीरव मोदी बन सकता है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी देश का अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड कर विदेश भाग गया। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और बागपत उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने चीनी व्यवसायी उमेश मोदी को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को आगाह किया है। सत्यपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इसमें बताया कि उद्योगपति उमेश मोदी की दो चीनी मिलें हैं जिन पर किसानों का कुल 462 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे में वह दूसरा नीरव मोदी बन सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने यह चिट्ठी 2 दिसंबर को लिखी है। सत्यपाल सिंह ने सीएम योगी और सुरेश राणा को लिखी चिट्ठी में बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी उमेश मोदी के बारे में आगाह किया था। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, मलकपुर चीनी मिल पर 312 करोड़ और मोदी शुगर मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया है। इन दिनों मिलों का मालिक उमेश मोदी है। मलकपुर शुगर मिल ने वर्ष 2012-2013 में कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ अंतिम बैलेंस शीट जमा कराया था। इसमें पाया गया कि किसानों का बकाया चुकाने के बजाय ग्रुप की अन्य कंपनियां जैसे मोदी एनर्जी, मोदी सिक्योरिटीज और अन्य में 331.96 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया है। सत्यपाल सिंह ने उमेश मोदी द्वारा नीरव मोदी को रास्ता अपनाने की भी आशंका जताई। उन्होंने लिखा, मुझे डर है कि नीरव मोदी की तर्ज पर उमेश मोदी गरीब किसानों का पैसा डाकर कहीं देश छोड़कर ना भाग जाए। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। किसान बकाया रकम के भुगतान को लेकर समय समय पर मांग करते रहते हैं, लेकिन इस मामले पर अभी तक खास प्रगति नहीं हुई है। अब केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बकायेदार मिल मालिक के देश छोड़कर भागने की आशंका जाहिर की है। बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों से मिली भिगत कर पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ों का कर्ज ले लिया था। कर्ज की रकम का भुगतान करने के बजाय नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। भारत सरकार अब उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।